गंदा पानी मिलने की शिकायत पर सागर विधायक शैलेंद्र जैन पहुंचे राजघाट फिल्टर स्टेशन। अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में किया निरीक्षण, देखी व्यवस्थाएं। सागर शहरवासियों को लगातार कुछ दिनों से राजघाट पेयजल योजना के अंतर्गत गंदे पानी प्राप्त होने की शिकायत पर विधायक शैलेंद्र जैन को मिली तो वे राजघाट पंपिंग स्टेशन निरीक्षण करने पहुंचे गए। यहां उन्होंने राजघाट के फिल्ट्रेशन यूनिट की पूरी प्रक्रिया को देखा, किस तरह से एलम, क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग को पानी में मिलाकर पानी को शुद्ध किया जाता है। उन्होंने केयर फिल्टर टैंक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राजघाट परियोजना सागर शहर और आसपास के क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है, उसके माध्यम से हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। यह हमारी पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करती है। विगत दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदा पानी पहुंच रहा है, क्योंकि यह एक अति संवेदनशील विषय है। यह लोगों के जनजीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसके लिए यहाँ इसकी प्रक्रिया देखना पहुंचे। उन्होंने फिल्ट्रेशन के बाद शुद्ध हुए पानी को 4 अलग अलग गिलासों में भरवाया और उसका परीक्षण किया। इसमें उन्होंने पाया कि पानी पूर्णतः शुद्ध और क्रिस्टल क्लियर है। उन्होंने कहा कि क्योंकि शहर में अनेक स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, इससे कई जगह पाइपलाइन डैमेज हो जाती है, लीकेज हो जाती है, टूट जाती है और पाइपलाइन के अंदर गंदगी जाने से स्थानीय वार्डों में गंदा पानी पहुंच रहा है। इसके लिए हमने अविलंबन पाइपलाइनों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को स्वच्छ पानी प्राप्त हो। कई स्थानों पर ड्रेनेज और पानी की लाइन साथ में है, इसके कारण से भी पानी में गंदगी फैलती है, उसको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यहां पर एक केमिस्ट भी नियुक्त है, जो सुरक्षा के सारे मापदंडों का ख्याल रखता है। हमारी जरूरतों, स्वास्थ्य को देखते हुए हमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यहां का पूरा स्टाफ कार्य कर रहा है। इस दौरान उन्होंने क्लियर फिल्टर टैंक को व्यवस्थित रूप से साफ करने के लिए निर्देशित किया। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने राजघाट फिल्टर प्लांट का निरीक्षण करने के बताया कि देखो, राजघाट परियोजना जो है वो हमारे सागर वासियों को और आसपास के क्षेत्र वासियों के लाइफ लाइन है और इसके माध्यम से हमारे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। हमारी ड्रिंकिंग वाटर से लेके अन्य उपयोग में आने वाले जो पानी का या जरूरतें हैं वो अब सारी की सारी राजघाट डैम से ही होती हैं। अभी बीच में ये विषय ध्यान में आया था कुछ अखबारों के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कि यहाँ से जो पानी आ रहा है वो पानी नहायत गंदा पानी है और उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कहीं फिल्ट्रेशन में हमारी कमी है या एलम में या ब्लीचिंग में या अन्य चीज़ें डालने में हमारी कमी है। इन तमाम विषयों को लेके आज हम फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए थे कि इसमें वास्तव में है क्या स्थिति। तो अभी हमने देखा कि जो फाइनल पानी जो है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो हमारे स्टोरेज टैंक में आ रहा है क्लियर वाटर, वो हमने 4 ग्लास में भर के देखा, वो पूरे के पूरा पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उसमें कहीं कोई किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं थी, उसमें किसी तरह का कोई मटमैलापन नहीं था। तो मुझे ये लगता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूशन में ये एडल्ट्रेशन होने की संभावना रहती है। शहर के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारी पानी की लाइन और ड्रेनेज जो है कहीं कहीं एक साथ जा रहा है, या अभी जो बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य में भी वो पानी की लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कभी टूट भी जाती है, उसके माध्यम से मिट्टी या अन्य गंदगी उसमें पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है कि उसमें इस तरह की कोई संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम हमने देखा वो लगभग फूल प्रूफ है और एक अस्थाई रूप से एक केमिस्ट यहाँ रखा गया है और वो MSc केमिस्ट्री उसकी क्वालिफिकेशन है, तो वो उसके पैरामीटर्स का ख्याल रखता है। और मुझे यहाँ आके सागर वासियों के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरतों का, हमारी आवश्यकताओं का बड़ा ख्याल रख रहे हैं और शुद्ध पानी ही। मून स्टार न्यूज़ 24 के लिए सागर ब्यूरो की रिपोर्ट।